दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पश्चिम बिहार इलाके में दिन दहाड़े हुई एक नामी बिल्डर अमित गोयल की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल काला साहूवासिया गैंग से जुड़े अपराधी सदस्य दीपांशु शर्मा को गिरफ्तार किया है। काला साहूवासिया गैंग की दुश्मनी कई अन्य गिरोह के साथ थी। गैंग वॉर में हुई हत्याओं के बाद इन गिरोहों के कई सदस्य जेल में बंद थे। इनमें प्रदीप कासनी भी शामिल था। इसने वर्ष 2017 में काला साहूवासिया की हत्या को अंजाम दिया था। दीपांशु को जैसे ही ये जानकारी मिली कि प्रदीप जेल से बाहर आने वाला है तो इसने इसे ठिकाने लगाने की ठान ली और हत्यारों का इंतजाम करने में जुट गया। इसी दौरान दीपांशु के साथ ही भूपेंद्र ने अमित गोयल से हथियार खरीदने के लिए इससे मिलवाया था, जो कि बिल्डर के साथ साथ हथियार तस्करी का धंधा भी चला रहा था। 3 लाख रुपए में अमित ने एक पिस्टल दीपांशु को दे दी, लेकिन 10 लाख रुपए देकर दीपांशु ने 2 पिस्टल और मांगी, लेकिन इस बार बिल्डर ने पिस्टल देने के बजाय दीपांशु को धमकाना शुरू कर दिया। इससे गुस्साए दीपांशु ने अपने एक साथी सुमित के साथ मिलकर अमित की हत्या की साजिश रच दी। मौका देखकर इन्होंने अमित को उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया जब वो पश्चिम विहार स्थित अपने ऑफिस से बाहर आया हुआ था। पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअली सर्विलांस के बाद दीपांशु को रोहतक के सेक्टर 2 से दबोच लिया।